सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील करता है वॉइडेबल मैरिज से, शून्य करणीय विवाह से। और सेक्शन 12 कहता है कि कोई हिंदू मैरिज तब तक वैलिड मैरिज रहेगा जब तक कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक कोर्ट में पिटीशन नहीं प्रेजेंट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर ग्राउंड्स, जिसमें सबसे पहला है इम्पोर्टेंसी। वाइफ अगर पिटीशन प्रेजेंट कर रही है तो इस ग्राउंड पर कर रही है कि हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट एंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। दूसरा ग्राउंड, मैरिज वॉज सोलिमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5, यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर पार्टी वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड। और तीसरा, देयर वॉज नो फ्री कंसेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। और लास्ट कहता है प्रेगनेंसी। तो हस्बैंड इस ग्राउंड पर भी अपने मैरिज को एनल करा सकता है बिफोर द कोर्ट कि जो वाइफ थी सी वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट दिस फैक्ट। तो ये था इन शॉर्ट वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड। अगर आपको वॉइडेबल मैरिज का कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।